आप सभी को जय मसीह की प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मेरी प्रियो, आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगे रहे और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आइए मैं आप सबके लिए एक वचन पढ़ती हूँ, मत्ती 14 अध्याय और 28 आयत से 30 आयत तक। ऐसा लिखा है, पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। पर इस टॉपिक में दो बातें हैं, एक यीशु की ओर देखने से क्या फायदा है और दूसरा यीशु के ओर नहीं देखने से क्या होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति बैट लेकर क्रिकेट के मैदान में स्टंप के पास होता है, उसका ध्यान बॉल की तरफ होता है। अगर उसका ध्यान बॉल की तरफ ना हो तो क्या होगा? आप सब जानते हैं कि वह आउट हो जाएगा और वो मैदान से बाहर हो जाएगा अगर वह बॉल की तरफ ना देखे। तो 29 अध्याय में पत्रस पानी पर चला और 30 अध्याय में हवा को देखा, डर गया और डूबने लगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब पत्रस यीशु को देख रहा था तो पानी पत्रस को डुबा नहीं सका। वैसे ही हम इस संसार में यीशु मसीह को देखकर जब चलते हैं तो संसार हमें डुबा नहीं सकता। चाहे इस संसार की गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, हमें कोई नहीं डुबा सकता, क्योंकि हम यीशु की ओर देखते हैं। और जो यीशु की ओर देखते हैं, उसके लिए मैं एक वचन पढ़ती हूँ। यशायाह 43 अध्याय उसका दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में होकर चले तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी ओर देखता है, उसके जीवन में आश्चर्य काम होते हैं। जब हम यीशु की ओर नहीं देखते हैं तो क्या होता है? मत्ती 14 अध्याय और 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा। पत्रस जब यीशु को छोड़ हवा को देखा तो डूबने लगा। मेरे भाई, मेरे बहन, जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हम हर एक समस्याओं पर जय पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हर समय हमें बचाता है और उसी की ओर देखने से हम जय पाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको हर समस्याओं में जय दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।